हेलो, मेरा नाम है अरुणा चौहान और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। और रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स में भी हम आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। मीन्स जब इलेक्ट्रोफिलिक, यानी नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, वैसे ही उसमें न्यूक्लियोफाइल था सब्स्टिट्यूट करने वाला। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएरीन्स में हम बात कर रहे हैं, यानी कि रिंग की बात कर रहे हैं, बेंजीन रिंग की। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब कोई जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप हो गया। तो जब कोई इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो क्या करता है, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को जो कि रिंग पर प्रेजेंट है उसको रिप्लेस कर देता है या सब्स्टिट्यूट कर देता है, या फिर बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट कर देता है। तो वो कहलाएंगे वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रोफाइल आप जानते हो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि उसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसीलिए अब, यानी कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। ओके, और वो क्या करता है, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देता है। यहां पर आप रिप्लेसमेंट में क्या देखोगे, क्योंकि ये तो हेलोजन है, तो हेलोजन तो एक्स माइनस की फॉर्म में निकलता है, तो हेलोजन इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में नहीं निकलेगा, तो इसको तो वो छेड़ेगा नहीं। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से निकलेगा, यानी हाइड्रोजन निकलता है यहां से, यहां से, यहां से, इलेक्ट्रोफाइल में H प्लस की फॉर्म में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल किसको रिप्लेस कर रहा है, एक तरह से H प्लस को रिप्लेस करेगा रिंग से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, हेलो एरियन की, क्योंकि उसी की बात चल रही है रिएक्शंस की। ठीक है, तो हेलो एरियंस में क्या होता है, हेलोजन ग्रुप लगा हुआ होता है कोई भी। हेलोजन आपको पता ही है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ओके, तो जब ये हेलोजन है तो अब क्या होगा, हेलोजन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ओके, काफी, मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उसके अलावा क्या होते हैं, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस हेलोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो अब ये क्या करता है, जब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अपनी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके, वो किसके साथ में, पाई बॉन्ड ऑफ द रिंग के साथ में क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। कॉन्जुगेशन मैंने पहले भी दिखाया था कि कैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं रिंग के, इसके साथ में कौन, जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अब उसकी वजह से क्या होगा, जब ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि रिंग की जो ऑर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन है उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। और ओवरऑल अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखें तो यानी कि रिंग क्या शो होती है, उसमें नेगेटिवली चार्ज शो होती है, यानी कि रिंग एक तरह से क्या हो गई, न्यूक्लियोफिलिक हो गई नेचर में। ठीक है, तो रिंग क्या हो गई, न्यूक्लियोफिलिक हो जाती है उसकी वजह से, किसकी वजह से, इस हेलोजन के जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्योंकि पाई कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड के साथ में क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रिंग है वो न्यूक्लियोफिलिक हो जाती है। और ये करते किसकी वजह से हैं, प्लस एम इफेक्ट ऑफ हेलोजन, यानी मीजोमेरिक इफेक्ट ऑफ हेलोजन की वजह से क्या होता है, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्जुगेशन में। ठीक है, अब रिंग क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगी। और जब रिंग न्यूक्लियोफिलिक हो जाती है नेचर में, तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल चाहिए, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहे हो उसको, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, क्योंकि वो भूखा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो जो इंसान भूखा होता है वो खाने की तरफ जाएगा ना, जहां पर उसको खाना मिलेगा। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका खाना क्या हो गया, एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसको दिख रहे होंगे तो वो उसकी तरफ जाएगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ रिंग की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पर अटैक करता है,
रिंग पर अटैक करता है, ठीक है, किसकी वजह से, प्लस एम इफेक्ट ऑफ हेलोजन की वजह से रिंग क्या हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिक हो जाती है। अब हम इसकी क्या डिस्कस कर लेते हैं, मतलब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ लेकिन एक बार दिखा देती हूँ कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसमें, कॉन्जुगेशन में रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। ओके, तो ये रहे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेलोजन के, ये यहाँ आएंगे, एक बार हम यहाँ पर पाई बॉन्ड भी बना लेते हैं रिंग के। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, 4 से ज्यादा हो गई। और दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ क्यों रहे हैं एक तरह से देखा जाए, क्योंकि ये जो कार्बन है ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, तो ये इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया, तो ये क्या करेंगे, इसकी और ऊपर से यहाँ पर पाई बॉन्ड इस टाइप से, तो ये इसके साथ में पार्टिसिपेट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, बना लेगा डबल बॉन्ड बना लेगा, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब ये यहाँ पर इसने पाई बॉन्ड बनाया तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पोजीशन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये आ गया इस तरह से। अब नेक्स्ट में क्या होगा, जो ये वाला नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है हमारे पास में और यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड हो गया। ओके, अब यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट उसमें क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या हो गया, पाई बॉन्ड। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट में क्या होगा, सॉरी यहाँ पर पाई बॉन्ड भी बना देते हैं एक और, ऐसे और ऐसे। नेक्स्ट वाले में जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, अब ये वाला बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इस तरह से ये वाला रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा, हेलो एरीन का। ओके, अब ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है इसका मेन स्ट्रक्चर क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो वो कैसे बनेगा, क्योंकि सारे उस पर क्या हुआ है, रिंग पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, इसके बीच में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हुआ है हेलो एरीन के बीच में, मतलब हेलोजन और रिंग के बीच में भी इस तरह से पाई बॉन्ड जनरेट हुआ है, तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया इसका, ये सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गए हेलो एरीन के, ठीक है। तो अब आप एक चीज यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि कौन कौन सी पोजीशन पर, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, बेसिकली ऑर्थो पोजीशन पर एंड पैरा पोजीशन पर। मैंने बताया था कि ये वाली जो पोजीशन है और ये वाली, ये ऑर्थो होती है, ये मेटा पोजीशन होती है और ये पैरा पोजीशन होती है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आया, ऑर्थो पोजीशन पर एंड पैरा पोजीशन पर, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे करेगा या पैरा पे करेगा। तो आप बोल सकते हो कि हेलो एरीन एक तरह से क्या हो गए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गए, यानी क्या बोलोगे आप यहाँ पर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं हेलो एरीन, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट इसमें ट्विस्ट क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है और रिंग जो है वो न्यूक्लियोफाइल भी हो रही है, किसकी वजह से, हेलोजन के प्लस एम इफेक्ट की वजह से, लेकिन हेलोजन एक और इफेक्ट शो करता है, क्या इफेक्ट शो करता है, ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। अब जब ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो है रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा अपनी ओर, दे तो रहा था प्लस एम इफेक्ट की वजह से, लेकिन माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है, जब ये रिंग से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा तो रिंग की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो घटने लगेगी, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल जिस न्यूक्लियोफिलिसिटी की वजह से इस पर अटैक कर रहा था, अब जब वो न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी तो यानी कि चांसेस ऑफ अटैक भी घटने लगेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिंग घट रही है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। ओके, तो एक बार लिख लेते हैं यहां पर उसे। अब बात करते हैं इसमें जो सेकेंड इफेक्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हेलो एरीन है, जो रिंग है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या हो जाती है, मतलब एक तरह से डीएक्टिवेट हो जाती है। जैसे जो हेलोजन है वो क्या करते हैं,
वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है हेलोजन, यानी माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या करेगा, रिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, अब जब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है माइनस आई इफेक्ट की वजह से, कौन, हेलोजन, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रिंग है यानी कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, यानी कि रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी, सिटी ऑफ रिंग डिक्रीजेस। ठीक है, अब जब न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रोफाइल क्या नहीं कर पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा इजिली, ड्यू टू डिक्रीज इन द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिंग। ठीक है, अब यानी जो ओवरऑल रिंग है एक तरह से देखा जाए क्या शो कर रहा है, हेलोजन प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, और क्या शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो जनरली आपने देखा होगा, मतलब जब प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा होता है कोई भी ग्रुप, तो प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है ओवर माइनस आई इफेक्ट। लेकिन इसके केस में क्या होता है, जो प्लस एम इफेक्ट है वो डोमिनेटिंग नहीं होता है। कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, डोमिनेटिंग हो जाता है, यानी माइनस आई इफेक्ट हेलोजन्स के केस में, डोमिनेटिंग इन केस ऑफ हेलोजन्स, क्योंकि हेलोजन्स क्या होते हैं, काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में, तो उसकी वजह से क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट जो है ओवरऑल क्या हो जाता है, डोमिनेटिंग हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो ओवरऑल रिंग है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या हो जाती है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की वजह तरफ क्या हो जाती है, डीएक्टिवेटिंग हो जाती है। तो यानी कि माइनस आई का प्लस एम पे डोमिनेट होने की वजह से क्या होगा, रिंग जो होती है ओवरऑल डीएक्टिवेट हो जाती है। लेकिन अब यहां पर भी एक चीज होती है कि मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि जो हेलोवेरिन्स हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो हेलोवेरिन्स हैं वो समहाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देते हैं, यानी एक तरह से ये देते हैं, यानी हेलोएरिन्स, बट ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा उस पर दे रहे हैं, मतलब हेलोएरिन्स देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो हेलोएरिन्स कैन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिएक्शन फोर्सफुली, एक तरह से कह सकते हो फोर्सफुली देते हैं, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो हेलोएरिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर क्या आ रहा था, नेगेटिव चार्ज आ रहा था ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, और डीएक्टिवेट किसकी वजह से हो रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट की वजह से। तो मतलब देते हैं, ओके, ओवरऑल जो है रिएक्शन देंगे बट फोर्सफुली देंगे, ऐसे नहीं देंगे बहुत फास्ट रिएक्शन दे रहे हो, ये जो है हेलोएरिन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे, अब यहां पर आप देख सकते हो जैसे मैंने ये लिया हुआ है हेलोएरिन, ठीक है, अब यहां पर क्या है, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, मैंने बताया था ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या फिर पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कर रहा है, ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कर रहा है, और यहां पर दिखा रहे हैं पैरा पोजीशन पर अटैक कर रहा है। ठीक है, तो अब जब ये अटैक करता है तो कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, अब मैं दिखाऊंगी इसकी मैकेनिज्म कैसे कैसे हो रही है। ठीक है, तो इस तरह का क्या फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो हेलोजन का क्या है, एक तरह से कौन सा इफेक्ट है, अगर माइनस आई इफेक्ट है मान लो हेलोजन का, तो ये माइनस आई इफेक्ट की वजह से इस इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन को क्या करेगा, इसको अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक तो
मतलब पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या कर रहा है, इसको पॉजिटिव चार्ज हो यानी कि इंटरमीडिएट को क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि हेलोजन जो है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट डिस्टेबलाइजेस व्हाट इंटरमीडिएट, जो भी इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है उसको क्या कर रहा है, ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर आपको एक चीज और बताई थी कि हेलोजन का क्या होता है, क्योंकि इसका प्लस एम इफेक्ट होता है, तो ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट की वजह से ये क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर बोल सकते हैं हेलोजन ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट स्टेबलाइजेस व्हाट इंटरमीडिएट फॉर्म, देख सकते हो मींस प्लस एम इफेक्ट की वजह से ये स्टेबलाइज कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट की वजह से इसको इंटरमीडिएट को ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, जैसे सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया, तो ये सब हम करने वाले हैं डिस्कस इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि जो रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिंग्स होंगी उसकी मैकेनिज्म पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे हो रही होंगी। मैं एक जनरल मैकेनिज्म डिस्कस कर रही हूँ फर्स्ट, बाकी जो है मैं बाद में क्या करूंगी कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहे हैं उनकी जनरेशन दिखा दूंगी, ठीक है, और रिएक्शंस वगैरह के बारे में बता दूंगी और उनके मैकेनिज्म आपको खुद ट्राई करनी है कि वो कैसे होगी, क्योंकि बेसिक ऑफ मैकेनिज्म मैं यहाँ पर दिखाने जा रही हूँ कि उन रिएक्शंस की मैकेनिज्म कैसे होगी, और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी मैं उन रिएक्शंस के साथ साथ दिखाती रहूंगी। तो पहले बेसिक मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे होती है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो एक चीज याद रखना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ कि क्लियर दिख रहा है, यस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है वो थ्री स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप में होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड स्टेप में होता है जब इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो जाता है तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो वो क्या करेगा, अटैक करेगा रिंग पर, यानी अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिंग भी बोल सकते हो, ओके। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो पुराना वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इन थ्री स्टेप्स में क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म होती है। तो बेसिक मैकेनिज्म मैं ले रही हूं क्योंकि हेलोजन के लिए मैं एक्स यूज कर रही हूं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, हमने हेलोएरीन लिया हुआ है, जब उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, मान लो इलेक्ट्रोफाइल ने कहाँ अटैक किया, मान लो इलेक्ट्रोफाइल ने ऑर्थो पोजीशन पर अटैक किया है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा इसकी, तो अब क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आया यानी कि नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट हुआ होगा, यानी एक तरह से ये पाई बॉन्ड क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर रहे हैं, यहां पर आप बोल सकते हो, ओके। तो ये वाला चार्ज एक तरह से यहाँ शिफ्ट हो गया क्योंकि ये यहाँ शिफ्ट करेगा ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट, और फिर ये किस पर अटैक कर देगा, इस पर, ठीक है, या ये इस पर करे या इस पर करे, बात वही है, क्योंकि पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट हो गया है, ऑर्थो पोजिशन पर शिफ्ट हो गया है ड्यू टू इलेक्ट्रोफाइल, ओके okay, मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, उसकी वजह से क्या होगा, यानी कि ये ऑर्थो पोजिशन पर आकर लग जाएगा और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये वाला बॉन्ड हुआ यहाँ पर और ये वाला बॉन्ड हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें दिखाना है कि जो ये प्लस चार्ज है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है वो प्लस एम इफेक्ट की वजह से कैसे कैसे एक तरह से देख सकते हो स्टेबलाइज हो रहा है, और ओके यानी कौन कौन सी पोजीशन पर स्टेबलाइज हो रहा है, यानी कि कौन कौन से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे, अब जो है ये पाई बॉन्ड कहाँ मूव कर सकता है, इधर तो मूव नहीं कर सकता क्योंकि इस कार्बन पर क्या है, चार के चार ग्रुप लगे हुए हैं इधर इधर,
और दो ये हो गए, तो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। तो इस कार्बन पर तो कोई भी पाई बॉन्ड नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, चार ग्रुप लगे हुए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो क्या देखेंगे, तो ये पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट कर सकता है यहाँ, ये वाला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये यहाँ आएगा, मैंने बताया, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पर। ये चीज याद रखनी है, ये वाला शिफ्ट नहीं कराना इधर, ये वाला शिफ्ट करेगा। तो ये वाला जब बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, ओके। और ये वाला पाई बॉन्ड, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, यानी ये हमारा हो गया नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। तो यहाँ पर इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कैसा होगा, अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड यानी कि लगभग आधे से ज्यादा पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो यानी कि यहां से कहां तक मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, यहां तक, इस वाले बॉन्ड पर नहीं कर रहा, ओके। इस वाले बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर रहा, सिर्फ इतना ही कर रहा है मूव, तो ये क्या हो गया, इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड, यानी कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पर आप, अब आप सोचोगे कि ये जो है स्ट्रक्चर जो है ड्यू टू रेजोनेंस, तो क्या हो रहा है, एक तरह से स्टेबलाइज हो रहा है, एरोमेटिसिटी ज्यादा होती है, यानी कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर एरोमेटिसिटी का ज्यादा होता है। और दूसरी चीज क्या है, आप बोलोगे कि जो जब एरोमेटिसिटी का ऑर्डर ज्यादा होता है तो इसका मतलब नहीं होनी चाहिए रिएक्शन, लेकिन इसमें रिएक्शन हो रही है, ठीक है, रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज हो रहा है, यानी कि किसकी वजह से स्टेबलाइज हो रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस। सो स्टेबिलिटी है इसमें भी ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पर ये रेजोनेंस शो कर रहा है का इतने कार्बन पर, ओके, रिंग के पांच कार्बन पर ये शो कर रहा है। तो ये तो हो गया इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये हो गया इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ओके, अब एक चीज याद रखना, मैंने यहाँ पर क्या नहीं दिखाया है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वाला, यानी कि फर्स्ट स्टेप नहीं दिखाया है बेसिक मैकेनिज्म में, इसमें मैंने केवल E प्लस ऐसे ही मान लिया है कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन अभी मैं जब रिएक्शंस दिखाऊंगी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन वगैरह, तो उनमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल शो करूंगी अभी, ठीक है। जनरल जब E मान लिया है, E प्लस, तो इसलिए मैंने शो नहीं करा, क्योंकि बेसिक रिएक्शन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन नहीं दिखा सकते, ओके। तो अब क्या होगा, यानी कि रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल होगा यहाँ पर, यानी कि हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा इस रिएक्शन में, तो हमारे पास में क्या फॉर्म हो रहा है, कुछ उस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, जैसे कि ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो रिंग अपनी एरोमेटिसिटी गेन करना चाहेगी वापस, तो वापस एरोमेटिसिटी कैसे गेन कर सकती है, जब ये अपना हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दे दे और खुद बाहर निकल जाए, यानी -H ये बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर क्या फॉर्म हो गया, इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई इसमें। आई होप यहां तक इसकी मैकेनिज्म क्लियर होगी, क्या क्या हो रहा है, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो रहा है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पर अटैक करेगा, रिंग पर अटैक करेगा, और रिंग में क्या इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इंटरमीडिएट, और उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने शो किए हुए हैं। और स्टेप थर्ड में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोजन, वो बाहर निकल रहा है, ठीक है, रिंग से, और किसकी फॉर्मेशन हो रही है, प्रोटेक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। यहां तक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में क्लियर होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ रिएक्शंस की, कैसे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, ओके। सो फर्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं हेलोएरीन के पास साथ में, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 एक तरह से कैटलिस्ट का काम कर रहा है, आप बोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और क्या होता है ये एनहाइड्रस AlCl3, यानी कि ये होता है एसिड, यानी लुइस एसिड भी होता है ये, लुइस एसिड, लुइस एसिड, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है इसको, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए मुझे, ओके। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से हेलोएरीन की, तो फॉर्म होता है ये ऑर्थो क्लोरो, ओके, हेलोएरीन और पैरा क्लोरो हेलोएरीन, या फिर बोल सकते क्लोरोबेंजीन,
ठीक है, दो फॉर्म हो रहे हैं। और इसमें भी एक चीज याद रखना कि जो ये वाला है पैरा वाला, वो होता है मेजर प्रोडक्ट, ये होगा मेजर और ये होगा माइनर। ये मेजर क्यों होता है, यानी कि 1,4-डाई-क्लोरोबेंजीन इसको बोलेंगे, आईयूपैक नेम इसका, एंड इसको बोलेंगे 1,2,1 और सेकंड पोजीशन पर है 2-डाई-क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। ठीक है, तो पैरा वाला ही क्यों मेजर होता है, पैरा वाला इसलिए मेजर होता है क्योंकि जो क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है वो यहां पर कम होगा, यानी कि पैरा पोजीशन पर माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एट पैरा पोजीशन विल बी लेसर। डिस्टेंस पे मैटर करता है ना, तो इसलिए पैरा पोजीशन पर क्या होगा, जो क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है वो कम होता है, इसलिए जो है पैरा पोजीशन पर ज्यादा अच्छा यानी मेजर प्रोडक्ट बनता है। दूसरा आप बोल सकते हो कि ऑर्थो पे एक तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो गया, और यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट क्या है, माइनस आई इफेक्ट ग्रेटर, एंड ऊपर से क्लोरीन एंड क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास भी, तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन भी होता है, तो इस वजह से जो पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर फॉर्म होता है। अब इसमें जो मैकेनिज्म होती है, मैं इसकी मैकेनिज्म बता देती हूँ कि इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होता है Cl+। क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सी रिएक्शन में, क्लोरीनेशन में। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है यानी कि Cl, वो कैसे जनरेट हो रहा है, हमने लिया Cl2 रिएक्शन में, और क्या लिया है, एनहाइड्रस AlCl3। अब क्योंकि ये एनहाइड्रस जो AlCl3 है ये क्या है, लुईस एसिड है, तो ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा, और जो क्लोरीन है वो इस तरह से क्या होगा, एक पर, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो एक पर यानी कि नेगेटिव होगा और एक पर पॉजिटिव, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा AlCl4-, एंड इसके अलावा क्या आ गया, प्लस Cl+ हो गया, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहां पर मैंने दिखाया है किसकी जनरेशन हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन हो रही है इस रिएक्शन में। आई होप अब इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन मैंने आपको दिखा दी है, तो जो इसकी मैकेनिज्म है वो आपको खुद लिखनी है कि इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो कैसे होती है, कैसे पॉसिबल होती है। अब लेते हैं नेक्स्ट, क्लोरीनेशन के बाद में अब नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन, यानी कि नाइट्रेशन ऑफ हेलोएरीन करा रहे हैं। ये हमने हेलोएरीन लिया हुआ है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3 की प्रेजेंस में जब कराते हैं रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन, तो क्या फॉर्म होता है, ऑर्थो नाइट्रो हेलोएरीन एंड पैरा नाइट्रो हेलोएरीन। ओके, यानी अब यहाँ पर भी सिमिलरली क्या होगा, ये वाला जो प्रोडक्ट है पैरा वाला वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया था क्यों होता है मेजर, और ये होगा माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो इसको बोलेंगे 1-क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आता है, तो 1-क्लोरो, उसके बाद में हम बात करते हैं 2-नाइट्रो बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट है, इसके बाद में 1-क्लोरो-4-नाइट्रो बेंजीन। ओके, अब बात करते हैं हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इसमें कैसे होता है, यहाँ पर जो भी HNO3 और H2SO4 यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होगा क्या, एक तो ये देखना है, और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एक बार देख लेती हूँ सही से दिख रहा है, यस ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की, यानी कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2+। ठीक है, तो वो कैसे जनरेट होता है, अब यहाँ पर दो हैं HNO3 एंड H2SO4, और आपको पता है जो H2SO4 है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेरिजन टू HNO3, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो H+ आयन डोनेट करता है, और जो उसके कंपेरिजन में वीक होगा वो बेस की तरह काम करेगा, तो वो क्या करेगा, प्रोटोन आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहां पर भी वही रूल लगेगा कि जो H2SO4 है कॉन्सेंट्रेटेड
वो किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा, और जो HNO3 है यहाँ पर वो एज अ बेस काम करेगा। अब HNO3 लगा हुआ कैसे होता है, कुछ इस तरह से अटैच होता है HNO3, इधर हो गया HNO3SOH, ठीक है। तो HNO3 कुछ इस तरह से होता है, ये एज अ बेस काम कर रहा है क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में वीक एसिड है, तो वीक एसिड इस रिएक्शन में एज अ बेस काम करने लगेगा। तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ इसका जो H2SO4 का एक प्रोटॉन है, एक हाइड्रोजन है, वो यहाँ चला जाएगा, तो इसको बोलेंगे प्रोटोनेशन ऑफ OH, यानी एक तरह से ये क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है, प्रोटो नेशन हो रहा है, यानी H कहाँ आ गया, यहाँ H के पास में, यहाँ पर कुछ इस तरह से फॉर्म होगा ये, कैसे, HOH NN डबल बॉन्ड O, इस तरह से ये अटैच्ड है इससे। ओके, अब यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि ये प्रोटॉन आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इस तरह से, यानी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह फॉर्म हो रहा है यहाँ पर जो प्रोटॉन है, तो इस पर आ गया इस तरह से, इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन ने, वो इसको डोनेट कर दिए हैं, ठीक है। अब डोनेट कर दिए इस पर, और क्या है, पॉजिटिव चार्ज था। ओके, तो अब क्या करेगा, ये जो H2O है इसको लेकर भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से, इस तरह भी दिखा सकते हो, ऐसे नहीं दिखाना तो ऐसे भी दिखा सकते हो, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ओवरऑल। ओके, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ऐसे बाहर चला जाएगा, कौन, वाटर, तो -H2O, और बचा क्या, अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स चले गए ना, ये लेके चला गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो बचा क्या, NO2+, जो कि यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2+। तो ये चीज याद रखना, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, अब बढ़ते हैं सल्फोनेशन की तरफ। सल्फोनेशन में क्या होता है, जब हेलोएरिन की रिएक्शन किससे कराते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में कराते हैं, तो क्या बनता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी कौन सी पोजीशन पर आएगा, यहाँ पर, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है, यानी कि SO3H फंक्शनल ग्रुप है, जो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से अब क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा, यानी कि इसको फर्स्ट नंबरिंग देंगे और इसको सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये क्या हो जाएगा, 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम हो गया। अब एक चीज और है इसमें, ये ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, सॉरी, पैरा प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी द माइनर प्रोडक्ट, इट विल बी द माइनर प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, पैरा सब्स्टिट्यूटेड। अब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है इसमें, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल सिमिलरली इसमें क्या होगा, क्योंकि H2SO4 है, तो H2SO4 के कितने मोल लेते हैं, 2 मोल ऑफ H2SO4 लेते हैं इसमें, तो जो H2SO4 है, किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होगी, यहाँ पर ये इसमें फॉर्म होगा HSO4- + H3O+, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3, SO3 यहाँ पर क्या होता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है, ये चीज ध्यान रखनी है, SO3H नहीं होता है, तो ये चीज याद रखनी है, एग्जाम में पूछ लेता है SO3H और SO3, तो क्या होता है, SO3 होता है।